गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आपको पार्ट एक का शुरुआत किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ अर्थ बताए थे। उसी अनुसार पूर्व में किए गए अभ्यास के अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि जो प्रसंग और व्याख्या था वह आपने पूर्ण प्राप्त कर लिया है। अब उसके आगे का हम पढ़ने जा रहे हैं। और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि जब कवि चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहे थे तो उनके मन में हृदय में जो भी भावनाएं उद्गृत हो रही थी उन्होंने वर्णन किया था। उसके उन्होंने बताया था कि हरे हरे लहलाते खेतों में जब अलसी हटेली अपनी पतली कमर लिए हुए लहरा रही थी तो उस समय कैसा प्रतीत हो रहा था, इन सभी चीजों का वर्णन किया गया था। उसी प्रकार हम संदर्भ पूर्वक ही होगा, संदर्भ में आपको बताना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ एक चंद्र गहना से लौटती बेल से उद्गृत है। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी है। संदर्भ के बाद प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने फागुन महीना और सरसों को देखकर जो कल्पना की है उसका वर्णन किया गया है। प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने फागुन महीने के आने पर होने वाले प्रकृति के बदलाव को बताया गया है और सरसों की खेत का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने फागुन महीने और सरसों को देखकर जो कल्पना की है उसका वर्णन किया गया है। अब व्याख्या, कवि कहते हैं कि फागुन का महीना आ गया है। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना आ गया है, सरसों की फसल खेत में तैयार हो गई है। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना आ गया है, सरसों की फसल खेत में तैयार हो गई है। पीली सरसों को देख कवि कल्पना करते हैं कि पीली सरसों की खेत को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है मानो वह विवाह हेतु तैयार है। कवि कहते हैं कि सरसों की खेत को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह विवाह के लिए तैयार है और हाथ पीले किए वह विवाह मंडप में बैठी है। और कवि कहते हैं कि वह पीले हाथ किए हुए विवाह मंडप पर बैठी है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, कवि कहते हैं कि फाग गीत गाता हुआ फागुन का महीना ऐसा लगता है। कवि कहते हैं कि फाग गीत गाता हुआ फागुन का महीना ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर का मतलब होता है कि जब कोई महिला अपने लिए पुरुष का चयन करती है, उससे विवाह करती है जो उसके योग्य होता है, वह स्वयंवर कहलाता है। आपने देखा होगा कि जब राम सीता का स्वयंवर हुआ था, आपने सभी ने रामायण देखा है ना, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि फाग गीत गाता हुआ फागुन का महीना ऐसा लगता है मानो प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। मानो प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिलोरे ले रहा है। देखिए यहाँ कह रहे हैं ना, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है। अचल मतलब कि आंचल, हमने मम्मी का आंचल देखा ना, जो साड़ी का जो आंचल जो होता है, प्रकृति का सौंदर्य। अब कवि कहते हैं कि प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिलोरे ले रहा है। हिलोरे लेना मतलब कि उड़ना, बहना, जैसे कि हवा आती है तो देखना मम्मी का आंचल कैसे हिलता है। वह प्रकृति का सौंदर्य देख मन प्रफुल्लित हो उठता है। जो प्रकृति का जो सौंदर्य है, चारों तरफ जो पीले पीले जो खेत दिख रहे हैं उसे देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है। प्रकृति का सौंदर्य देखकर मन बहुत ही ज्यादा आनंदित हो रहा है तथा विचार आता है कि शहरों के शोर शराबे से दूर। कवि कहते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य देख मन प्रसन्न हो रहा है तथा विचार मन में यह आ रहा है कि शहरों के शोर शराबे से दूर इस निर्जन क्षेत्र में प्रेम का संचार करती यह उपजाऊ भूमि मन को मोह ले रही है या मोह लेती है। आप सिंपल शब्दों में कवि कहते हैं कि फागुन का महीना आ गया है, सरसों की फसल खेत में तैयार हो गई है, पीली सरसों को देखकर कवि के मन में ऐसा लगता है मानो
मानो वह विवाह के लिए तैयार हो, और उसके हाथ पीले, जो उसके हाथ है वह पीले किए हैं, और वह विवाह मंडप पर बैठी है। भाग गीत गाता हुआ फागुन का महीना ऐसा लगता है मानो फागुन का महीना ऐसा लगता है मानो प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिलोरे ले रहा है। प्रकृति का सौंदर्य देख मन प्रफुल्लित हो उठता है, तथा विचार यह आता है कि शहरों की ओर, शहरों के शोर शराबे से दूर इस निर्जन क्षेत्र पर प्रेम का संचार करती है उपजाऊ भूमि मन को मोह लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही है, इसमें लहरियां नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही यह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। सेम वैसे ही संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हिंदी के पाठ्य पुस्तक के पाठ एक चंद्र गहना से लौटती बेर से उद्धृत है। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, देखिए इसमें क्या बता रहा है, पोखर मतलब तालाब, उठ रही है लहरिया, नील तल में जो उगी है घास, ये सारी प्रकृति के सौंदर्य के बारे में। तो सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गांव की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, है ना। इसमें पूरे गांव की प्राकृतिक सौंदर्य का, तालाब का और खेत जो घास, जो हरे हरे घास उगे हुए हैं उनका, बगुला का, इन सारी चीजों का वर्णन किया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या, और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही है इसमें लहरिया। कवि कहते हैं कि चंद्र गहना गांव के किनारे एक तालाब है। कवि कहते हैं क्योंकि अभी तक हमको पता है कि हम चंद्र गहना गांव के बारे में ही वर्णन कर रहे हैं, तो हर अर्थ के पहले आपको यही बताना है कि आप किस गांव के बारे में बात कर रहे हैं और उसके उसके जो प्राकृतिक सौंदर्य वह कैसा है। तो शुरू करने के पूरी व्याख्या से पहले आप लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि चंद्र गहना गांव के किनारे एक तालाब है। पोखर का मतलब होता है तालाब। वायु उठ रही है इसमें लहरिया। कवि कहते हैं कि वायु के प्रवाह के साथ, उसकी जल में उठने वाली तरंगों के साथ घास भी लहराती सी प्रतीत हो रही है। कवि कहते हैं कि जो जो वायु प्रकृति में बह रही है वह इतनी सुंदर और साफ और शुद्ध है कि उसकी तेज प्रवाह से जो जमीन पर उगे जो घास है वह लहराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरिया। कवि कहते हैं कि जो शुद्ध वायु प्रवाह हो रही है वह इतनी ठंडक देने वाली है कि उसकी तरंगों से ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जो धरती पर घास है वह लहरा रहे हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। कवि कहते हैं कि जल का साफ सुंदर तल चांदी के बड़े गोल खंबे के समान दिखाई देता है, जिससे कि आंखें चौंधिया जा रही है या चकमका रही है। कवि कहते हैं कि जो सूर्य की किरणें पड़ रही है किसमें, पोखर पे, तालाब पर, तो तालाब का पानी इतना साफ और सुंदर है, साफ और क्या बोलेंगे, पूरी तरह से वह साफ है जिसमें वह सूर्य की रोशनी पड़ रही है, जिससे कि वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि कोई गोलाकार चांदी का क्या बोलेंगे उसको, गोल खंबा, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे चारों ओर रोशनी फैल गई हो। आंख को चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी। कभी कहते हैं कि तालाब के किनारे जो छोटे छोटे पत्थर है, पत्थरों से जब जल तरंगे टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि न जाने वह कब से अपनी प्यास बुझा रही है। और जो पोखर है उसके अंदर आपने देखा है कि तालाब के अंदर छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, लेकिन वह दिखते नहीं क्योंकि यहाँ का जो तालाब होता है वो गंदा दिखता है, लेकिन जो गांव का तालाब होता है वह इतना साफ सुथरा होता है। उसी प्रकार जो चंद्र गहना जो है ना, उसके पास का जो तालाब जो वर्णित किया जा रहा है वह इतना साफ है कि जिसमें जो पत्थर रखे हुए वो भी अलग से प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि जब वह सूर्य की रोशनी जब वहां टकराती है पानी से, तो उससे जो प्रकाश निकल रहा है तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि वे पत्थर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखता ही मीन जल ध्यान निद्रा त्यागता है। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है
में वह अपनी कब से प्यार बुझा रहे हैं। वही ताल में एक बगुला ध्यान मग्न दिखाई दे रहा है, किंतु मछली की आहट पाते ही वह तुरंत उसे निकल जाता है। कभी कहते हैं कि जो बगुला होता है ना, बगुला आप जानते हैं जो मछली पकड़ता है, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है देखना, जिसके टांग लंबे लंबे होते हैं, वह कभी कहते हैं कि उस ताल में, उस पोखर में बगुला एकदम ध्यान ऐसा चुपचाप खड़ा है मानो कि वह नींद में है, लेकिन वह जैसे ही मछली की आहट प्राप्त करता है वह उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। ठीक, इतना हो गया। आगे का, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चतुर मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यही है भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। कभी कहते हैं, देखिए संदर्भ पूर्वक ही होगा, कभी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पार्ट एक से चंद्रगहना से लिया गया है, इसके कवि श्री कतरनाथ अग्रवाल जी हैं। और प्रसंग, देखिए प्रसंग में मैंने बार बार बताया है कि जब आप कविता को पढ़ते हैं तो उससे कुछ भाव निकलते हैं कि किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो उस भाव को आपको लिखना है। अब इसके इसमें क्या लिखा गया है कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तालाब से उड़ते हुए पक्षियों का वर्णन किया है ना, पंछी जो उड़ रहे हैं उन सभी के बारे में वर्णन किया है कि वो क्या कर रहे हैं, वो तालाब में पैर को डुबाए हुए क्या कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि एक चालाक चिड़िया, कवि कहते हैं कि एक चालाक चिड़िया जिसका सिर काला है, एक चालाक चिड़िया जिसका सिर काला है तालाब के ऊपर मंडरा रही है। कभी कहते हैं कि एक चालाक चिड़िया जिसका सिर काला है वह तालाब के ऊपर मंडरा रही है और अवसर पाते ही जल में तैरती मछलियों को अपने चोंच में दबाकर झपट्टा मारकर वह गगन में उड़ जाती है। तालाब के पास की ऊंची ऊंची मेड़ है जहां रेल की पटरी दिखाई देती है। कभी जब वहां रुके हुए थे तब ट्रेन का समय नहीं हुआ था कि उस पटरी पर वे रेल को देख पाते। कभी कहते हैं कि उस तालाब के ऊपर कुछ पक्षी मंडरा रही है, चिड़िया चालाक चिड़िया मंडरा रही है जिसका सिर काला है, तालाब के ऊपर मंडरा रहे हैं सफेद पंख को और तैती मछलियों को अपने सफेद पंख को फैलाकर झपट्टा मारकर चोंच में दबाकर गगन पर उड़ जा रहे हैं। तालाब के पास ही ऊंची ऊंची मेड़ पर ट्रेन की पटरियां हैं जिसे कभी देख रहे हैं और वह कभी कहते हैं कि जब मैं वहां रुका तब ट्रेन का समय नहीं हुआ था और ताकि मैं उस ट्रेन चलती हुई ट्रेन को देख सकूं। ठीक, नेक्स्ट, मैं यहाँ सुखद हूँ जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं का तक फैली है बांझ भूमि पर। बांझ का मतलब जानते हैं ना, सॉरी, दूर दिशाओं पर फैली है बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। आपको संदर्भ मैंने बार बार बताया पूर्वत कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ एक से लिया गया है। ठीक है, अब प्रसंग, प्रसंग का भी वर्णन मैंने किया है कि प्रसंग आप किस प्रकार बनाएंगे। कवि अपने मन में उठने वाले विचारों को व्यक्त कर रहा है, कवि अपने मन में उठने वाले विचारों को व्यक्त कर रहा है। व्याख्या, चित्रकूट के आसपास फैली है ये ऊंची नीची पहाड़ियां जो अपने प्रकृति रूप में है, दूर दूर तक जहां तक दृष्टि जाती है उनका विस्तार दिखाई देता है। कवि स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, उन्होंने कहीं नहीं जाना है, उन्हें कहीं नहीं जाना है, कवि अपने मन से विचरण कर रहे हैं, वे प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन करना मतलब कि आप उसके बारे में निरीक्षण कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रकृति के वातावरण में क्या क्या चीज चल रहा है। इन पहाड़ियों के आसपास की बंजर भूमि पर बबूल के जैसे कांटेदार पौधे जिनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती फैले हुए हैं। कभी कहते हैं कि आज इस वातावरण में जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर जो बंजर क्षेत्र है वहां पर बबूल के पेड़ उगे हुए हैं और उन जो कांटेदार होते हैं, बबूल के पेड़ सभी जानते हैं जो कांटेदार होते हैं जिसमें कांटे कांटे नुकीले नुकीले कांटे होते हैं जिनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती है। तो आखिरी, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता है सुग्गे का स्वर टेटे। सुग्गे मतलब जानते हो आप लोग, सुग्गे का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था सुग्गे का मतलब, सुन पड़ता है वनस्थली का हीर चिता है उठता गिरता सारस का स्वर टीरो टीरो टीरो
टिरटो टिरटो मन होता है, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सरस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहते हैं हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी लू चुप्पे चुप्पे। सुगा का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, तोता है ना। हाँ, संदर्भ पूर्वक प्रसंग में क्या बताया गया, प्रकृति सुंदरता का चित्रण किया गया है, जिसमें पक्षियों के जो कलरव हो रहे हैं, जो प्रकृति में जो पक्षी होते हैं वह जो आवाज करते हैं उसके बारे में वर्णन, जो आवाज आता है उसको बोलते हैं कलरव। क्या बोलते हैं उसे, कलरव। व्याख्या, सुर पड़ता है मीठे मीठे, मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का स्वर टेटे। कभी कहते हैं कि प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण में वृक्षों पर बैठे तोते की टेटे की मधुर ध्वनि से वातावरण गूंज रहा है। कभी कहते हैं कि इस सुरम्य वातावरण में, कभी कहते हैं कि सुरम्य वातावरण में वृक्षों पर बैठे तोते की टेटे की मधुर ध्वनि से वातावरण गूंज रहा है। सुर पड़ता है वन स्त्री का ही चिरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो मन होता। वही दूसरी तरफ इस नीरवता को, निरवता मतलब जो शांति फैली हुई है उसे भेदता सारस का टिरटो टिरटो स्वर सुनाई दे रहा है, जिसे सुनकर कवि के मन में विचार उठता है कि वह भी इन पक्षियों के साथ पंख फैलाकर उड़ जाए तथा हरे भरे खेतों के बीच जहां ये युगल है वहां चुपचाप वे उनकी प्रेम कथा का श्रवण करे। अब देखिए यह पाठ यही समाप्त होता है। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि कवि ने पूरे प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति की वातावरण का वर्णन किया है। जब वह कहां से, चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा था तो उसके मन में जो भी विचार चल रहे थे उसके बारे में वह बता रहा था। तो अब जो भी इसके जो प्रश्न व्याख्या है वह आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिया जाएगा, आप एक बार उसे पढ़ेंगे तो आपको सारे अर्थ समझ में आ जाएंगे, उसी के अनुसार आपको अपने प्रश्न एवं उत्तर को बनाना है। तो इस वीडियो से आपको यह पूरा ज्ञात हो गया कि इस पाठ का अर्थ क्या है।